तो गाइस फाइनली सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M52 को अमेजन इंडिया पर लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस ये M सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन होगा जिसे 5G कनेक्टिविटी के साथ में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी M32 5G को लॉन्च किया था और अब फाइनली M52 5G भी इंडिया में लॉन्च होने की तैयारी में है। तो गाइस इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग कन्फर्म है, उन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके स्पेसिफिकेशंस बताए हैं। और ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस लगभग कंफर्म है, लेकिन यहां पर एक चीज को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस स्मार्टफोन में आपको कितने एमएच की बैटरी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी M52 5G को लेकर YouTube पर। कोई बता रहा है इसमें 4500 एमएच की बैटरी मिलेगी, कोई 5000 एमएच, कोई 7000 एमएच, इस तरह से अलग-अलग यूट्यूबर्स आपको अलग-अलग इसमें बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं। मेरे खुद ने जो स्पेसिफिकेशंस की वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने आपको 4500 एमएच की बैटरी के बारे में बताया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी बैटरी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो लगभग 3 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन को लेकर। M52 5G का जब सपोर्ट पेज लाइव किया गया था तब इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुए थे और साथ ही इसके बैटरी का मॉडल नंबर और इसकी बैटरी का सर्टिफिकेशन लीक हुआ था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको इस स्मार्टफोन में 4860 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल सकती है। तो गाइस उस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली आपको इसका मॉडल नंबर, इसकी बैटरी का ये सर्टिफिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लगा दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट M52 स्मार्टफोन का होगा तो इस स्मार्टफोन में आपको 4860 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल सकती है जिसकी मार्केटिंग सैमसंग 5000 मिली एम्पियर से करेगा। अगर बात करते हैं M सीरीज के स्मार्टफोन्स की तो सैमसंग की M सीरीज के स्मार्टफोन में M का मतलब मॉन्स्टर, तो यहां पर जितने भी सैमसंग के M सीरीज के स्मार्टफोन्स हैं वो सभी पावर पैक मतलब बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं और सभी स्मार्टफोन्स में आपको 5000, 6000 या 7000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं M52 5G के जो Amazon इंडिया पर अभी जो टीज हुआ है इसको लिस्ट किया गया है उसमें भी आप अगर देखेंगे तो स्मार्टफोन के जो फर्स्ट लुक है उसके साथ में एक मॉन्स्टर करके इसको बताया गया है, तो जिससे ये क्लियर है कि M सीरीज के इस नए स्मार्टफोन में भी आपको बड़ी बैटरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि कितने एमएच की बैटरी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर वो सर्टिफिकेट M52 स्मार्टफोन का ही है तो आपको 5000 मिली एम्पर से इस स्मार्टफोन की जो मार्केटिंग है वो सैमसंग करेगा, लेकिन अगर वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट M52 स्मार्टफोन का नहीं है तो यहाँ पर गाइस सैमसंग के इस स्मार्टफोन में दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या फिर या तो आपको 5000 एमएच की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है या फिर मॉन्स्टर जो इसमें टीज किया है सैमसंग ने अमेजन इंडिया पर उसके अकॉर्डिंग इसमें 7000 एमएच की बैटरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी ने इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया है तो हम ओनली एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर दो प्रोबेबिलिटीज बनती है। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि आपके साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, सभी इस स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।